घाट का उद्घाटन किया सीएम योगी ने, और उन्होंने कहा कि हम परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी में हम ओडीओपी पर काम कर रहे हैं, परंपरागत कारीगरों को हमने प्रोत्साहित किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हुनर हाट देश के अंदर विभिन्न राज्यों में भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित हो रहे हैं। निश्चित ही परंपरागत उद्यम, कलाकार, शिल्पकार इसके माध्यम से लाभान्वित होंगे, और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपने परंपरागत उद्यम को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने, शिल्पकारों को आगे बढ़ाने और इस परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी अभिनव योजना प्रारंभ की। इस योजना में हम लोगों ने तमाम प्रकार से शासन के स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए देश और दुनिया के अंदर लगने वाले परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए विभिन्न एग्जीबिशन में उन्हें वहां आने जाने की सब्सिडी देने, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मैपिंग, इन सभी प्रकार के कार्यक्रमों में शासन के स्तर पर सहयोग करने का जो कार्यक्रम बनाया, का चिकनकारी का एक कार्य अगर आप देखेंगे तो परंपरागत रूप से लोग अपने घरों में ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। इसके लिए उनको अलग से जमीन की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सरकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हमारे 75 जनपद हैं और 75 के 75 जनपदों में कोई ना कोई एक नया उद्यम और एक नया शिल्पी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नई कला के साथ आपको देखते हुए मिल सकता है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने